दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं और आपका जो डेटा बैलेंस है वो डेली बच जाता है, वेस्ट हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप अगर महीने का 1 GB पर डे का रिचार्ज कराते हैं, या दोस्तों 1.5 GB पर डे का रिचार्ज कराते हैं, या दोस्तों बहुत से लोग 2 GB या 3 GB पर डे का रिचार्ज करते हैं अपने मोबाइल में, तो दोस्तों क्या होता है कि आपका जो डेटा बच जाता है, जो वेस्टेज हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपका जो डेटा है वो वेस्टेज होने से बच सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा है वो वेस्ट ना जाए आप, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा है जो आपका वेस्ट हो जाता है डेली, जो आपका डेटा डेली बच जाता है, उसे आप सेल करके अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट मंथ का रिचार्ज होगा वो आपके डेटा को सेल करके ही दोस्तों आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। आपका नेक्स्ट मंथ का रिचार्ज उसी पैसे से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक जानने से पहले जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मेरा नाम इंतखाब और आपका मेरे चैनल आईएससी टेक्निकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं और दोस्तों आप जैसे कि दोस्तों आपका डेली डेटा बैलेंस होता है 1 GB पर डे का रिचार्ज है, या दोस्तों आपका 2 GB या 3 GB या 1.5 GB जो भी दोस्तों आपका पर डे का डेटा बैलेंस होता है, उस डेटा बैलेंस से दोस्तों कुछ ना कुछ डेटा बैलेंस बच जाता है, वेस्ट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे जो यूजर होंगे उनका जो 500 MB है या 1 GB भी है या 200 MB है या 50 MB है, 100 MB है, दोस्तों कुछ भी डेटा अमाउंट जो भी है आपकी जो वेस्ट हो जाती है, जो आपके डेली यूसेज में नहीं आती है वो बच जाती है, तो दोस्तों उसे आप सेल करके एक अच्छी खासी अमाउंट बना सकते हैं। इतनी ज्यादा तो नहीं बना सकते दोस्तों, लेकिन इतनी जरूर बना सकते हैं कि जो आपका नेक्स्ट मंथ का रिचार्ज होगा उसे आपको अपनी जेब से पे नहीं करना होगा, बल्कि दोस्तों जो आप डेटा सेल करेंगे उसी अमाउंट से आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट मंथ का। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, जो भी आपका डेली डेटा यूसेज में से आपका डिस जाता है, आपका डेटा वेस्ट हो जाता है, तो दोस्तों उस बचे हुए डेटा को सेल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको टाइप करना है हनीगेन। दोस्तों ये मुझे फर्स्ट वाला लिंक मिल रहा है, इसी पर दोस्तों मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको, इसी पर दोस्तों जो फर्स्ट वाला है हनीगेन जो वेबसाइट है इसी पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। यहां से दोस्तों आपको डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड ये वाला दोस्तों ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो दोस्तों आपको यहां पर जाना है और इसी पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहां पर डाउनलोड लिखा हुआ आएगा, तो दोस्तों डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये सिंपली आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपको ओपन करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि आगे का प्रोसेस क्या करना है, आपको कैसे अपने डेटा को जो आपका बचा हुआ डेटा है उसे सेल करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने फ़ोन में हनीगेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो दोस्तों इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज़ दोस्तों इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, हाउ हनीगेन वर्क्स और स्किप इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वाले पर दोस्तों आपको क्लिक नहीं करना है, हाउ हनीगेन वर्क्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको करना है दोस्तों सेकंड वाले पर क्लिक, स्किप इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों स्किप इंट्रोडक्शन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इफ़ यूज मोबाइल डाटा इफ़ टर्न ऑफ हनीगेन विल वर्क्स ओनली ऑन वाईफाई। अगर आप चाहते हैं दोस्तों आप मोबाइल से वर्क करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर यस करना है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों आपको यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, सेट मोबाइल डेटा लिमिट। दोस्तों जो भी आपका डेली डेटा बच जाता है आपके फ़ोन से आपके डेटा यूसेज में से, जैसे 100 MB, 200 MB, 500 MB या 1 GB, 2 GB, कुछ भी दोस्तों, चाहे मिनिमम अमाउंट है चाहे मैक्सिमम अमाउंट है, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर सेट करनी है। सेट करने के लिए दोस्तों आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों आप जो भी सेट करना चाहते हैं डेटा डेली का, वो उसे आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर 500 MB ही
सेट करने वाला हूँ। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर जीबी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं या चाहे तो आप एमबी में सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 200 500 जो भी हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर 500 एमबी सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। डन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको साइनअप कर देना है। साइनअप करते ही दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट करके। दोस्तों ये मैंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से दोस्तों आपको कर देना है डोंट शो मी अगेन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म ईमेल कर देना है। कन्फर्म ईमेल करने के बाद दोस्तों ये आप जो वेरीफाई कर लेगा आपके ईमेल को। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा जो डेटा है इसने 410.73 KB डेटा ले लिया है। तो दोस्तों अब ये धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही जो भी मेरा डेटा है वो दोस्तों ये ले लेगा। इसके बदले में मुझे अमाउंट मिलेगा, पैसे मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जब आपके अकाउंट में $20 से ज़्यादा या $20 हो जाएंगे तो दोस्तों आप अपने उस अमाउंट को दोस्तों पेपल के थ्रू विदड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।